आज हिंदुस्तान जीत गया भाई, आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है। जब बच्चे आके मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो फिर क्या हाल होगा भाई। टूटा है पर्थ का घमंड, मोए मोए कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया ने पकड़ गए। मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, मॉरल डेंटिंग विक्ट्री है, नर्व्स रैकलिंग विक्ट्री है, नर्व्स शैटरिंग विक्ट्री है, ईगो शैटरिंग हीरो, ईगो डेंटिंग है। ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है, और फिर उतने तो देखें उनकी दोनों इनिंग्स के मिला के रन्स होंगे कि ऑलमोस्ट उतने उसके आसपास, मतलब इतने बड़े मार्जिन से हराने, 300 के रन्स के मार्जिन से। इंडिया ने भाई ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि बाप कौन है और बेटा कौन है। वर्ल्ड के अंदर मैच रखने का भाई ऑस्ट्रेलिया का मकसद था कि हम कभी इस ग्राउंड के अंदर हारे नहीं है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया की जो है वो बहुत ही बंद कर दी है। और जब इंडिया ऑल आउट हुई तो सब ये कह रहे थे कि भाई भारतीय टीम की तो हवा निकल गई, इंडियन टीम तो क्रश कर गई है, ऑस्ट्रेलिया में बम्बूजल्ड है, और इंडिया के लिए ये ढाई महीने ऑस्ट्रेलिया में गुजारने डरावने ख्वाब होंगे। ऐसा लगा कि ये ऑस्ट्रेलियाई टीम भीगी बिल्ली निकली। हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। जो हाफ इंडियन टीम है वो पूरी फिट ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर है। इतने बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया नहीं पिला कभी जितना इंडिया ने पिला है। क्लियरली नजर आ रहा है कि 19 नवंबर का बदला लिया जा रहा है। This is the den of Australia after Gabba. Perth was their den, the strongest fort which India managed to not only destroy but also rattle Australia. It's a moral rattling victory. लोगों को पता नहीं 20-25 साल हो गए, 30 साल ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच जीते हुए। इंडिया, this is what they are doing time and again. और सेना कंट्री में जाके जीते। विराट कोहली द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, 7 विक्ट्रीज है उसकी सेना कंट्री में जाके एज अ टेस्ट कैप्टन। सर इतनी इबरतनाक शिकस्त कभी आपने ऑस्ट्रेलिया की देखी है? वो भी उनके होम ग्राउंड के अंदर, वो भी पर्थ के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ जीतता ही नहीं है। इंडिया लास्ट टाइम भी 2 सीरीज जीत के आई है, तो ये रिकॉर्ड शिकस्त होगी। बिल्कुल टूटा है पर्थ का घमंड, इंडिया जीत गया है और लिटरली जीत गया। ठोक दिया पकड़ के इंडियन बॉलिंग लाइन अपने ऑस्ट्रेलिया को उस पिच पे जिस पे इनका मीडिया 2 दिन पहले कह रहा था ये तो फ्लैट ट्रैक बन गया है। ये बार बार वो फॉक्स क्रिकेट वाले मेरे घंटे के बार बार पिक्चर शेयर कर रहे थे कि जी वो देखो जी पिच बिहेव बदल रही है, ये जी फ्लैट ट्रैक बन गया। बेटा 103 में 5 आउट कर दिए थे इंडिया ने, आपने पकड़ के भजा दिया आपके स्टीव स्मिथ को, आपके लबुशान को, आपके ख्वाजा को पकड़ के भजा दिया इंडिया ने। भाई आपके घर में आके आपकी ही दी हुई कंडीशन में, आपकी ही दी हुई पिच में, आपके ही क्राउड में तेरे वो सलंसर पैट कमिंस की बजा दिया पकड़ के। वो पैट कमिंस सलंसर का बच्चा, वो जो इंडिया को भाई इजी ले रहा था, इजी ले रहा था, वो पैट कमिंस का बच्चा इंडिया को इजी ले रहा था, बजा दिया पॉट, ठोक दिया पकड़ के इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। इन ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ठोक दिया। भाई इस टेस्ट मैच में इंडिया थ्रू आउट डोमिनेट किया, इंडिया ने इस टेस्ट मैच में इंडिया ने थ्रू आउट पूरा डोमिनेट किया, पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलियंस को, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऐसा घुसाया निकल नहीं पाएगा। मतलब पहले दिन डोमिनेट, दूसरे दिन डोमिनेट, तीसरे दिन डोमिनेट, चौथे दिन डोमिनेट, टेस्ट मैच जीत गए। ओ भाई इससे ज्यादा एक एशियन टीम के लिए क्या ही चीज होगी कि हम ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, हमारी बैटिंग भी डोमिनेट करके आई है, हमारी बॉलिंग भी डोमिनेट करके आई है। 533 रन का टारगेट मेरे ऑस्ट्रेलियन घंटू से नहीं था होना, इनसे इनके अब्बे ने भी दो बार भी बारी दे लो तो नहीं होगा। मोए मोए कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने पकड़ गए। मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है, ये जो फॉक्स क्रिकेट वाले हैं ये घंटे के 2 दिन पहले बुमराह के बॉलिंग एक्शन को बट्टा कह रहे थे कि बुमराह बट्टा मारता है, कल कह रहे हैं बुमराह गोट है टेस्ट क्रिकेट का। हमें पता है वो गोट है, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में उससे ज्यादा एवरेज किसी बॉलर की नहीं है, 19 की एवरेज है उसकी, ठीक है। कोई कह रहा है 4-0 से जीत रहा है, कोई कह रहा है 5-0 से ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। आना नेथन लाइन गंजे तेरी गांजे में मैं थुक फेंक के चंड मारूं, तूने ही बोला था ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीतेगा, 8 घंटे के ये टेस्ट मैच फिर लेगा जा। इतने बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया नहीं पिला कभी जितना इंडिया ने पिला है। क्लियरली नजर आ रहा है कि 19 नवंबर का बदला लिया जा रहा है। इट वॉज जस्ट मैटर ऑफ टाइम बिफोर बुमराह केम बैक एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। नितेश कुमार रेड्डी ने मार्च जैसी पुरसकून विकेट अपने ही बल्ले से ले लिया और आखिर में ये भी। देखो बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में दूसरे दिन से आउट हो गई थी, बल्कि पहले दिन ही आउट हो गई थी जब 7 विकेट इनकी गिरी है फर्स्ट डे में, दे वर आउट ऑफ द मैच। और जो 2 घंटे मिचेल स्टार्क ने एहसान किया ऑस्ट्रेलिया पे, ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां से मैच वॉज ओवर, उसके लैंड स्लाइड विक्ट्री, टाटा बाय बाय। नितेश कुमार रेड्डी ने भी अपना जलवा दिखाया, वाशिंगटन सुंदर ने भी 1 विकेट ली, 3-3 विकेट ऊपर से दोनों दिग्गज बॉलर्स ले गए, 6। हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी जीत है, इट्स अ मैसिव 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 विक्ट्री है, कुछ ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, मॉरल डेंटिंग विक्ट्री है, नर्व्स रैकलिंग विक्ट्री है, नर्व्स शैटरिंग विक्ट्री है,
ईगो शटरिंग हीरो, ईगो डेंटिंग है। अब यहां से देखें, फ्रॉम नाउ ऑन व्हाट विल ऑस्ट्रेलिया इज थिंकिंग एट एडिलेड, ये क्या करेंगे, ये है बस और कुछ नहीं है। वो बुमराह ड्राइविंग से कमिंस ऐसा कब पाना है, कमिंस वैसा कब पाना है, बुमराह को कुछ पता नहीं है, बुमराह छोले बेचने आया, बुमराह जो है पहले भी मरवा दिया था। बुमराह ने इंग्लैंड में जाके पहला टेस्ट था, फाइट अच्छी हुई, चले हार गए। ये पहला टेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, मुश्किल कंडीशन, ना रोहित है ना गिल है, नए बच्चे हैं, तीन तीन नए बच्चे हैं, और उसके बाद भी अगर इतनी बड़ी परफॉर्मेंस है, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर लेके वो खेला और इतनी बड़ी जीत आई है और इनके गढ़ में आई है, दिस इज द डेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया आफ्टर गाबा, पर्थ वाज देयर डेन, द स्ट्रॉन्गेस्ट डेन, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट व्हिच इंडिया मैनेज्ड टू नॉट ओनली डिस्ट्रॉय बट आल्सो रैटल ऑस्ट्रेलिया, इट्स अ मॉरल रैकलिंग विक्ट्री। ऑस्ट्रेलियंस भी जितनी भी थोड़ी बहुत वो रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, कल के बाद ट्रेविस हेड को एक सेंचुरी के करीब पहुंच रहा था, उस सेंचुरी से करीब पहुंचने से पहले उसका सपना तोड़ दिया, फिर मिचेल मार्श 50 की तरफ बढ़ रहा था, 50 से पहले उसका काम तमाम कर दिया, तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी थी, बस वो यही थी कि वक्त का इंतजार था, वक्त गुजरता जाएगा, ऑस्ट्रेलियंस की विकेट ऑटोमेटिकली करती जाएंगी, और इंडिया को सिर्फ ये देखना था जब वंस कल 500 सुपर का टोटल दे दिया था कि ऑस्ट्रेलिया कितने मार्जिन से हारेगा, दैट्स अबाउट इट। कितनी दफा देखा होगा आपने ऑस्ट्रेलिया को इतने हैवी तरीके से रिसीविंग एंड पे, चाहे बैटिंग करें तो रिसीविंग एंड पे खड़े हुए, बॉलिंग करें तो रिसीविंग एंड पे खड़े हुए, फील्डिंग करें तो रिसीविंग एंड पे खड़े हुए, इट इज जस्ट अ वन साइड वन वे ट्रैफिक फॉर टीम इंडिया। राइट जाते जिस तरह ऑस्ट्रेलियन फैंस का आज इंटरेस्ट खत्म हुआ इस टेस्ट मैच से, कि आज दिखने को कोई दूरबीन लेके भी कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं दिख रहा, कमेंटेटर्स का जो जोशो खरोश था पहले दिन, उनकी आवाज भी ठंडी हो चुकी है, कोई कंपैरिजंस नहीं हो रहे हैं, कोई हिस्ट्री के ऊपर बात नहीं की जा रही है, कोई पुराने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में खेली गई उसकी रेफरेंसेस नहीं दे रहा, अब तो ये बात कमेंट्री में शुरू हो चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद रिजर्व बॉलर्स कौन से हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड का मुकाबला जब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, डेब्यूटन हर्षद राणा से हुआ तो बहुत ही फीके नजर आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेबसी की तस्वीर ऑस्ट्रेलिया बनके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन वही वाली बात है ना कि लोगों ने इतना ज्यादा प्रोपोगेट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, जैसे रिकी पोंटिंग की ऑस्ट्रेलिया, स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया, नहीं, ऑस्ट्रेलिया बदल चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत वल्नरेबिलिटीज हैं, शमी होते थे, अच्छा ना, ऑस्ट्रेलियंस उस तरह प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई दे रहे थे, मिचेल स्टार्क आधी सफेद आधी लाल बॉल लेटरल मूवमेंट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, नेट प्रैक्टिस चल रही है, वो देख के एक ऐसा दबदबा कायम हो गया था यार, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया पर्फ में क्या करेगा, लेकिन वही वाली बात होगी, खुदा पहाड़ निकला चूहा, और जब सामने चूहा निकला तो चूहा भी शर्मा रहा है भाई साहब अब हमारे साथ क्या होगा, और जब हम एडिलेड में बढ़ेंगे, रोहित शर्मा ने नेट्स में प्रैक्टिस शुरू कर दी, अलबत्त वो जैसे ही पहुंचे आज वो नेट्स में पाए गए और पिंक बॉल के साथ उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, तो यहां मुसीबतों का जो अंबार है वो और मजीद बढ़ता जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, आगे चल के क्या होगा, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा विन हो चुकी है ऑलरेडी इंडिया के लिए, बल्कि कल शाम में जब 12-3 हुआ था तो फैसला लिखा जा चुका था, लोगों की बड़ी उम्मीद थी, तो मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तान में भी मैं देखता हूं ट्रेविस हेड परफॉर्म करने लगता है, ये सब इसको अपना नाजायज कसम क्यों बना रहे थे, मसल विक्ट्री, और हेड से काफी परेशान थे, आपके हेड का क्या करना है, वो हेड को पकड़ लिया बुमराह ने, बुमराह व्हाट अ बॉलर ही इज, 8 विकेट इस मैच में हासिल कर ली है, तो जितना बड़ा चैलेंजिंग कोई ओकेजन होता है बुमराह भाईजान उतना ही स्पेशल निकल के आता है, सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट द कैप्टन बुमराह, ब्रिलियंट बुमराह, और जिस तरीके से आउट किया और फिर जो सेलिब्रेशन थी बुमराह के भी आउट करने के बाद, राइट फेस टू फेस ऑलमोस्ट राइट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हेड, द वे ही सेलिब्रेटेड, हाउ पम्प्ड अप ही वाज, और विराट कोहली का तो हमें पता ही है द वे ही एंजॉयज, तय तो था ही कि ये वाला जो मैच है अब ये खत्म हो गया, ये कहानी खत्म हो गई है, और ये अब इंडिया जो है वही अपना मैच उन्हीं के 250-350 के आसपास का बड़ा मार्जिन, मैसिव ये विक्ट्री है, ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है, और फिर उतने तो देखें उनकी दोनों इनिंग्स के मिला के रन होंगे कि ऑलमोस्ट उतने उसके आसपास, मतलब इतने बड़े मार्जिन से हरा रहे, 300 के रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच हराना, ये इतनी बड़ी ये बात है, बहुत बड़ी बात है, लोगों को पता नहीं 20-25 साल हो गए, 30 साल ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच जीते हुए, इंडिया दिस इज व्हाट दे आर डूइंग टाइम एंड अगेन, और सेना कंट्री में जाके जीते, विराट कोहली द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, 7 विक्ट्रीज है उसकी सेना कंट्री में जाके एज अ टेस्ट कैप्टन, जी बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन जो वो दिखाई हुई है टीम इंडिया ने, क्या कमाल किस्म की जो बॉलिंग देखने को मिली है जसप्रीत बुमराह की तरफ से, फिर जो है वो सिराज ने भी जो है वो कमाल कर दिया, लेकिन स्मिथ को भी जिस तरह से जो है वो चलता किया सिराज ने, क्या जबरदस्त किस्म का जो है बॉल डाला, ऐसा लगा कि ये ऑस्ट्रेलियाई टीम भीगी बिल्ली निकली, देखने में साउथ अगर आप ऑन द पेपर देखते तो शायद कोई भी कहता कि भारत ये मैच नहीं जीत सकेगा इस टेस्ट मैच से पहले, और जब इंडिया ऑल आउट हुई तो सब ये कह रहे थे कि भाई भारतीय टीम की तो हवा निकल गई, इंडियन टीम तो क्रश कर गई है ऑस्ट्रेलिया में, बम्बूजल्ड है, और इंडिया के लिए ये 2.5 महीने ऑस्ट्रेलिया में गुजारने डरावने ख्वाब होंगे, इंडिया कैसे गुजारेगी, इंडिया का तो 2.5 महीने ये डरावना ख्वाब होगा 5 टेस्ट मैचेस का, लेकिन एक दिन भी नहीं गुजरा इंडिया की टीम में क्या था, इंडिया की टीम के अंदर केएल राहुल की फॉर्म नहीं थी, जुरेल क्या करेंगे कोई पता नहीं था, देवदत्त पाटीदार क्या करेंगे किसी को पता नहीं था, रेड्डी क्या करेंगे किसी को पता नहीं था, और ये रियलिटी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट पिलर चैनल पर, आज हम बात करने वाले हैं
उस शानदार जीत की जिसने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दोस्तों आपको याद होगा पहले हमने गाबा का घमंड तोड़ा था और अब भारत ने पर्थ के किले को भी गिरा दिया, वे पर्थ जिसे ऑस्ट्रेलिया का अवैध किला माना जाता था। लेकिन भारतीय टीम ने इसे ऐसा ध्वस्त किया कि शायद ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी इतना बड़ा अंतर देखने को उम्मीद नहीं की थी। दोस्तों भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट की चर्चा हो रही है। खास तौर पर पाकिस्तान की मीडिया भी जमकर तारीफ कर रही है। वे बता रही है कि किस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने न केवल अपनी रणनीति बल्कि अपनी कुशलता से ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को पूरी तरह पस्त कर दिया। पर्थ का मैदान जो ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा जीत का गढ़ माना जाता था आज भारतीय टीम के आगे नतमस्तक हो गया। भारतीय खिलाड़ियों की गहरी सोच, कड़ी मेहनत और अनुशासन ने ये साबित कर दिया कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे वो गाबा हो चाहे पर्थ। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार भारतीय टीम में वो जज्बा है जो दबाव के समय में भी शानदार प्रदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक जीत ही नहीं, यह भारतीय क्रिकेट के बढ़ते दबदबे की कहानी है। तो दोस्तों यही है भारतीय क्रिकेट का असली जलवा। अगर आपको भी हमारी टीम पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको भारतीय टीम का यह प्रदर्शन कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।